एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 24 है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें पेयर्स मतलब दो दो के चाहिए, कंजेक्टिव मतलब जैसे लगातार पहले बता चुके हैं, और इवन होने चाहिए। इवन का मतलब है सम, और पेयर्स में होने चाहिए दो दो। कंजेक्टिव का मतलब लगातार, पॉजिटिव का मतलब प्लस वाले, और इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक। बोथ ऑफ विच ग्रेटर देन 5, दोनों 5 से बड़े हों, जैसे 6 के बाद 7 आएगा, लेकिन 7 विषम है, तो 6 के बाद आने वाला जो नंबर है सम वो 8 है। दोनों ही 5 से बड़े हैं, और इन दोनों का जो जोड़ है सम 6 और 8 14, तो वो 23 से छोटा है। लेस देन 23, 23 से छोटा है। तो इस तरीके के कितने पेयर्स जोड़े मिलेंगे और वो कौन कौन से मिलेंगे हमें ये बताना है। तो इसमें से अगर मैं एक को तो x मान लेता हूँ, तो दूसरा उससे 2 ज़्यादा होगा, जैसे 6 जमा 2 8, 6 प्लस 2 8, तो दूसरे वाले को x प्लस 2 माना जा सकता है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट मान लेते हैं, लेट दी टू कंजेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बी। सारा कुछ लिखना ज़रूरी है, कंजेक्यूटिव लगातार, इवन सम, पॉजिटिव धनात्मक, इंटीजर पूर्णांक बी, एक्स एंड एक्स प्लस टू। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के दोनों ईच ऑफ विच, बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 5, दोनों 5 से बड़े हों, यानी कि x भी 5 से बड़ा हो पहली बात, और x प्लस 2 भी 5 से बड़ा हो, तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन ना लिख के पहले x की एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दोनों साइड से 2 माइनस कर लो, यहाँ से आपको मिलेगा x इज ग्रेटर देन 5 माइनस 2 इज 3। तो ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया आपको। तो x 3 से भी बड़ा है और x 5 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब x 5 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर 5 से बड़ा होगा तो 3 से तो अपने आप ही बड़ा होगा। और तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए उन्होंने कहा हुआ है सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। सम का मतलब जोड़, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और इक्वेशन बन गई कि उनका जो जोड़ है सम है x प्लस 2 वो लेस है इससे 23 से। तो यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस x 2x प्लस 2 इज लेस देन 23। दोनों साइड से 2 माइनस कर लें, तो 2x प्लस 2 माइनस 2 इज लेस देन 23 माइनस 2। तो यहाँ से आपको मिला 2x इज लेस देन 21, और अगर 2 से डिवाइड कर लें दोनों साइड तो 2x बाई 2 इज लेस देन 21 बाई 2। तो यहाँ से आपको मिल रहा है 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा x लेस देन 21 बाई 2, यानी कि 10.5। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई है। तो तीनों इक्वेशन को आप देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन कहती है कि x 5 से बड़ा हो, आगे हो। सेकेंड इक्वेशन कहती है कि x 3 से भी बड़ा हो, यानी कि x 3 से भी आगे हो, और तीसरी इक्वेशन कहती है कि x 10.5 से पहले हो, इससे छोटा हो। तो x यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, मतलब x मुझे मिलेगा 5 से आगे और 10.5 से पहले। तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 6, 7, 8, 9 और 10, क्योंकि x इंटीजर है, पूर्णांक है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 6, 7, 8, 9 और 10। लेकिन x कैसा है, इवन है, इवन का मतलब सम है, तो इसमें से जो विषम वाली वैल्यू है वो हटा देते हैं, तो x की वैल्यू 7 भी नहीं हो सकती, x की वैल्यू 9 भी नहीं हो सकती,
तो इसका मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 6 हो सकती है या 8 हो सकती है या 10 हो सकती है। रीज़न क्या है कि x जो है वो इवन इंटीजर है, तो x की वैल्यू 6, 8 और 10, इसका मतलब x प्लस 2 की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। अगर x 6 है तो 6 प्लस 2 8, अगर x 8 है तो 8 प्लस 2 10, और अगर x 10 है तो 10 प्लस 2 12। तो इसका मतलब पॉसिबल पेयर्स जो आपके पास आ गए हैं वो कौन कौन से आ गए हैं, एक तो हो गया है 6 और 8, और एक हो गया है 8 और 10, और एक आ गया है 10 और 12। तो आप देख रहे हो कि भी इन तीनों पेयर में ये कंजेक्टिव लगातार क्रम से आने वाले सम संख्याएं हैं, सम पूर्णांक हैं, और हर एक जो है वो 5 से बड़ा है, 6 और 8 5 से बड़ा है, 8 और 10 5 से बड़े हैं, और 10 और 12 भी 5 से बड़े हैं, और इनका जो सम है जोड़ है वो 23 से कम है, 6 प्लस 8 14 तो वो भी 23 से कम है, 8 प्लस 10 18 वो भी 23 से कम है, और 10 प्लस 12 22 वो भी 23 से कम है। इसका मतलब ये तीनों आंसर सही हैं, ये इसका आंसर होगा।